Hi guys, hope all of you are doing great. And आज हम बात करेंगे how to win biology for CBSE class 10th. This session is for class 9th moving to 10th people. Okay, जो भी class 9th से 10th में जा रहे हैं ये session उनके लिए है. ठीक है, इस पूरे session में मैं बताऊंगा कि आपको biology को कैसे prepare करना है. ठीक है, in your class 10th board exam. कितने लोगों को parents कह रहे हैं कि भैया board exams जो है आ गए हैं, serious हो जाओ. You get to hear this a lot, right? कि भैया बोर्ड एग्जाम आ गए, सीरियस हो जाओ, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना? ये सब चीजें हम सुनते हैं. ठीक है बेटा, हमने ध्यान से देखा है, जो बच्चा हर साल स्टार्टिंग से प्लानिंग के साथ चलता है ना, ट्रस्ट मी बेटा, यू विल रॉक 98% इन योर बोर्ड एग्जाम. हर किसी का सपना होता है या फिर ड्रीम तो होता है कि यार 95%+ मुझे चाहिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, है ना? कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कि यार मैं स्कूल में तो टॉप करता हूं, अब मैं क्लास 10th में 95% लाऊंगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा. ठीक है, और अंदर से एस्पिरेशन होती है कि 95% चाहिए. हाँ कि ना? इफ यू आर वन ऑफ दोस, राइट, यस सर, आई वांट 95% इन बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th में. मैं 95 के मैं कह रहा हूं, आप 98% ला सकते हो. ठीक है ना? तो स्टे विद मी, दिस सेशन विल बी फॉर 10 to 15 मिनट्स. ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू इन क्लास 10th, हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर क्लास 10th सो दैट यू गारंटीड सिक्योर अ रैंक. ठीक है, सिक्योर अ गुड स्कोर. ऑल्सो आई विल टेल यू कि भैया जो भी आईआईटी और डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए. ठीक है, दिस विल बी द कोर्स ऑफ सेशन, तो स्टे विद मी फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड यू विल रॉक. परफेक्ट, प्रॉमिस रहोगे. Great, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज होती है बेटा, क्लास 10th में आप एंटर कर रहे हो तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. ठीक है बच्चे, ये क्या बात हुई? कितने लोगों ने आज तक कभी सिलेबस देखा है मुझे बताओ एक बार. कोई नहीं देखता. क्या आपने कभी सिलेबस को देखा उठा के कि भैया कौन सा चैप्टर आ रहा है, कब आएगा, क्या है? नहीं, राइट? यू हैव टू लुक एट इट. सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है. क्यों बेटा? देखो, लास्ट ईयर क्लास 10th के बच्चे ना, उनके कुछ चैप्टर डिलीट हुए थे. क्या वो चैप्टर आपके लिए डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए, आपको पता होना चाहिए. ऑब्वियसली ना यार, जो पेपर में आएगा वही पढ़ो, फालतू का क्यों पढ़ना है. ठीक है, और क्या फालतू का पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर डिलीट हो गया था, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हट गया था, ये बस इंटरनल असेसमेंट के लिए था. ठीक है, तो ये सब चीज होगी थी. आपको देखना है कि भैया क्या होगा, और ये आपको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा. हम लोग पूरे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी सारे टीचर आपको बताएंगे वेदांतु 9th एंड 10th चैनल पे कि भैया क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में आ रहा है. समझ आ गया? पहला स्टेप क्या है? सिलेबस को देखना, पूरे साल के सिलेबस को देखना. क्यों भैया पूरे साल के सिलेबस को क्यों देखना है सर? बेटा आपको पता तो चले जिंदगी में कौन से चैप्टर आने वाले हैं, क्या आपकी वॉर फील्ड. बेटा 10th बोर्ड को वॉर की तरह देखेंगे. ठीक है, तो आप लड़ने जाओगे, आपको पता होना चाहिए ना कि यार सामने दुश्मन क्या है. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट. प्लीज अंडरस्टैंड, एक होता है क्या कहते हैं, इग्नोरेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता जो आ रहा है सामने करते जा रहे हो. नहीं, एक होता है तेज बच्चा, तेज तरार बच्चा. ठीक है, तो उसको पता होता है कि भैया कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कब तक मुझे चैप्टर खत्म करने हैं. समझ रहे हो? तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे? एक इग्नोरेंट बच्चा जो बस चलता जा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कोई पढ़ लेता है, या फिर दूसरा बच्चा जिसको सब पता है कि क्या आएगा. मैं ये नहीं कह रहा कि उसको चैप्टर पता है, मैं कह रहा उसको ये पता है कि कौन से चैप्टर हैं और कब उसको क्या पढ़ना पड़ेगा. समझ, वो अवेयर बच्चा है, अवेयर, जागरूक, तो वो बच्चा सक्सेसफुल होगा. वो ज्यादा मतलब बेटा सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में भी ना ये चीजें होनी चाहिए. समझ रहे हो? और ये कौन बताएगा आपको? ये मैं बताऊंगा, बायो के लिए मैं बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए हमारे टीचर्स बताएंगे आपको. समझ आ गया? तो सिलेबस और सीरियसनेस बेटा प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, बस आपके सोच लेने से आपके 95-98 नहीं आएंगे. You have to work really, really hard for it. ठीक है, hard work करना बहुत जरूरी है. आपको लगता है आपने सोच लिया तो जाएगा? नहीं, hard work. और day one से यार, एकदम day one से hard work करेंगे ना भाई, आखिरी दिन पे क्यों करेंगे? समझ रहे हो? आखिरी दिन पे result आने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं है. Day one से हम लगे रहेंगे. हम लोग आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, आपको भी day. बेटा hard work का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. आपके टॉपर दोस्त कहेंगे कि आपके सीनियर होंगे ना, वो कहेंगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मेरे ऐसे नंबर आ गए. झूठ बोलते हैं सब. ठीक है, वो कहेंगे मैं तो बिना पढ़े मेरे इतने नंबर आ गए. झूठ, सच्चा झूठ है ये. ठीक है,
समझ रहे हो, रात रात भर पढ़ते बेटा, जो भी होता है टॉपर बताता नहीं है, ठीक है, पढ़ते सब है बताता कोई नहीं है। आपने भी ऐसा करा होगा, आपके दोस्त समझोगे यार कितना पढ़ लिया, आपने जितना भी पढ़ा हो ना उससे कम बताते हो, यार मैंने बस अभी एक दो चैप्टर करे हैं, जबकि आपने पूरा कर लिया होता है, करेगा आपने, ठीक है, सेम टॉपर भी करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आप और वो अलग नहीं हो, ठीक है। हार्ड वर्क, प्रॉमिस, राइट डाउन सर प्रॉमिस आई विल हार्ड वर्क इन कमेंट बॉक्स। अब बच्चे को सर लिखने से क्या होता है, बेटा पता है क्या होता है, जब भी आप टाइप करते हो ना कोई चीज तो आपके दिल में लगती है बात, दैट इज आई कीप सेइंग कि लिखो लिखो, आई विल स्कोर 98%, लिखो सर आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड इन द कमेंट बॉक्स, राइट इट डाउन। क्या हो रहा है, लिखने से कुछ जा रहा है आपका, ट्रस्ट मी, जब आप लिखते हो ना आपके बेटा चांसेस उस चीज को करने के 40% बढ़ जाते हैं। बच्चे कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, बेटा तो करके तो देखो, करने में कुछ जा रहा है, नहीं करके तो जा भी सकते हैं ना, करने से कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा कर दो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई गारंटी यू इट विल हैव एन इंपैक्ट, समझ लो, परफेक्ट। तो नो योर सिलेबस, बायो में लाइफ प्रोसेस है, हेरिडिटी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पता नहीं, लास्ट ईयर तो नहीं था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो आपको पता करना है, हम बताएंगे आपके लिए उसके स्पेशल सेशन होगा, बट पहली चीज सिलेबस पता होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, एसएसटी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ठीक है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट हु हैवंट स्टार्टेड स्टडीइंग येट बोर्ड एग्जाम, देखो ऐसे बेटा एंड में आके सर पे पड़ता है, ठीक है, देख लो बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है, बच्चों ने स्टार्ट कर दिया बेटा, वेदांतु के ऑलमोस्ट आई गेस 15-20 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं ऑन अप्रैल 4 को हम लोगों के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं सीबीएसई 10th के, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है और रेडी टू प्रिपेयर है, रेडी टू स्टार्ट है, ठीक है। वेदांतु के कोर्सेज हैं बेटा, सीबीएसई वेदांतु के कोचिंग कराते हैं हम लोग, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और एसएसटी, 6 सब्जेक्ट आपको पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, समझ रहे, पूरा कैसे पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल देते हैं। बच्चा बोलते हैं सर स्टडी मटेरियल किससे पढ़ूं, एस चांद से पढ़ूं या इससे फलाना बुक से पढ़ूं, इससे पढ़ूं, नहीं, हमारी एक बुक होती है जिसको हम कहते हैं तत्वा, कौन सी बुक, तत्वा बुक होती है, वन शॉर्ट बुक, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब चीजें होती हैं, एक्सप्लेनेशन, सब चीजें, तत्वा बुक, इसको करनी है। फिर आता है नोट, सर नोट्स कैसे बनाओ, टीचर के हैंड रिटन नोट, जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको नोट्स मिल जाते हैं हमारे बच्चों को, सेम चीज है। फिर हर 15-20 दिन में टेस्ट होता है, एक टेस्ट बच्चे से हम टेस्ट करवाते हैं, पता तो चले कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता तो चले कम नंबर आ रहे हैं तो हम आपसे बात करते हैं कि भैया क्या चक्कर है, क्यों कम नंबर आ रहे हैं, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो, तो पूरा ट्रैक करते हैं। तो हमने एक असाइनमेंट देते हैं आपको, असाइनमेंट्स, हमने एक पूरा सिस्टम बना रखा है कि भैया आपको हम पकड़ के मेहनत करवा देंगे, समझ रहे हो, और दिस एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर मुझे ना अभी से ही, मैं तो स्मार्ट बच्चों, मुझे अभी से ही आईआईटी और जेई, आईआईटी जेई या फिर नीट की तैयारी शुरू करनी है, बेटा इन बच्चों के लिए भी फाउंडेशन बैच होते हैं, कौन से बैच होते हैं, फाउंडेशन बैच, ये भी स्टार्ट हो रहे हैं 4 अप्रैल से। अब फाउंडेशन बैच में ऐसा क्या होता है, हम सीबीएसई उनको थोड़ा जल्दी पढ़ा देते हैं और थोड़ा हाई लेवल पढ़ाते हैं, क्या हाई लेवल भी पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारे बैचेस हैं, लॉन्च हो रहे हैं 4th of April। आई नो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल करा है, तभी हमारे 20-25 बैच हो रहे हैं, 4 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, समझ रहे हो, और आपने नहीं करा है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, यू आर काइंड ऑफ लेट, कूल। तो आई विल टेल यू टूवर्ड्स द एंड, वेट फॉर इट कि कैसे एनरोल करना है, ठीक है, आई विल टेल यू, बट इफ यू हैव नॉट डन इट गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर काइंड ऑफ लेट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, परफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है, स्टार्ट हो चुका है, बच्चे बहुत सीरियस है, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो हम ये नहीं कह रहे कॉम्पिटिशन में पागल हो जाए, बट एटलीस्ट टेक द बेसिक स्टेप्स, ठीक है। क्लास 10th में हर कोई ट्यूशन जाता है, ठीक है बेटा, आई टेल यू वन स्टोरी, ठीक है, मेरे स्कूल में मेरा कॉम्पिटिटर था, ठीक है, वो बताता नहीं था, मतलब हमें लगता था कॉम्पिटिटर, हम दोनों कॉम्पिटिटर सेम नंबर आते थे, कभी उसके ज्यादा कभी मेरे ज्यादा, ठीक है, मैं ट्यूशन नहीं जाता था। फिर क्लास 10th में ना मेरे कम नंबर आने लग गए थोड़े से स्टार्टिंग में, है ना, फिर पापा को भी लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो ही मेड मी जॉइन अ ट्यूशन, मेरे स्कूल की टीचर के पास उन्होंने ट्यूशन दिया, दूसरी टीचर थी जो मैथ्स पढ़ाती थी, अच्छा, ठीक है, गेस करो मैं वहां पे गया, मेरा कॉम्पिटिटर वहां पे पढ़ता था, क्लास 7th से वो पढ़ता आ रहा है, 7th, 8th, 9th, 10th, मैं तो 10th में गया हूं, 7th, 8th, 9th में खुद ही उससे कम्पीट करता था, समझ लो, ही हैड एन एडेड एडवांटेज। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब You cannot study on your own. I'm saying you can study, but
यू शुड हैव दैट एडेड एडवांटेज. आपको क्या पता बाकियों के पास क्या एडवांटेज है. ठीक है, कई बार उसने मेरे को क्लास में बीट करा, मुझे समझ नहीं आता यार ये मेरे से तो हुआ नहीं, इससे कैसे हो गया, क्योंकि उसने पहले ही ट्यूशन में कर रखा था वो सवाल. समझ रहे हो मेरी बात. तो इफ यू कैन अफोर्ड आई वुड हाईली रिकमेंड गेट इन टू अ कोचिंग क्लास 10th. इट इज बेसिक. होता क्या है, क्लास 10th आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि आप आर्ट्स लोगे, साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे. ठीक है, तो क्लास 10th इज काइंड ऑफ बेसिक बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो डोंट टेक इट लाइटली. दैट इज द होल थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इन द बिगिनिंग. ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्ट स्टडी मटेरियल. देखो जो वेदांतु प्रो वाले बच्चे ना, उनको तो हम तत्वा बुक्स दे देंगे. ठीक है, दे गेट तत्वा बुक्स, दैट इज सफिशियंट. बेटा दोबारा मत पूछना, दिस इज सफिशियंट, यू डोंट नीड एनी अदर रेफरेंस बुक. बाकी तत्वा बुक्स और हमारे नोट्स, हम हर क्लास में नोट्स कराते हैं, क्विजेस कराते हैं. क्विजेस मतलब क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं. बस आपको वो करने हैं, हमारे नोट्स पढ़ने हैं, तत्वा बुक्स करने हैं, यू आर सॉर्टेड, गारंटीड 95-98%. ठीक है, बाकी बच्चे बेटा देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है, हमारी तत्वा बुक्स में एनसीईआरटी होते हैं, हमारे नोट्स भी एनसीईआरटी से बने होते हैं. ठीक है, बट बाकी बच्चे जो आउटसाइड हैं, यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी. पहली चीज एनसीईआरटी करनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये दो चीजें आपको करनी है. एनसीईआरटी तो लोगे ही लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको एक सोर्स ढूंढना है, वो मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में. बट जो प्रो वाले बच्चे हैं उनको तो तत्वा बुक्स करनी है. ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक उठा सकते हो आप, है ना, समझ आ रही मेरी बात. कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर. बच्चे कहते हैं रेफरेंस बुक, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, हम पढ़ा देंगे आप. ठीक है, हम पढ़ा देंगे. प्रो बच्चों के लिए तो एक्स्ट्रा, इनको तो डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं. प्रो बच्चों का क्या होता है, पढ़ाते हैं नोट्स, डाउट्स, क्विजेस, एवरीथिंग. बाकी जो बच्चे कहते हैं सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बेटा वेदांतु 9th एंड 10th चैनल को फॉलो करो, है ना, यू वुड बी गुड टू गो. ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे कि प्रो में क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो उनको प्लेट में मिलती है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, है ना, आपको मतलब आई टेल यू प्रो और इसमें फर्क क्या होता है. यूट्यूब पे प्रो में यू गेट एक्स्ट्रा अटेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज. यूट्यूब पे यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड, मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो यू वुड बी एबल टू डू दिस परफेक्ट. नेक्स्ट वन, ठीक है बेटा, सोते मत रहना. ठीक है, प्लीज डोंट बी द वन हू स्लीपिंग और एंड में जाके जाग रहे हो और यार मैंने तो पढ़ाई नहीं करी. एज आई सेड, डे वन से बेटा आपको एकदम किलर एटीट्यूड, किलर एटीट्यूड टूवर्ड्स द एग्जाम बोर्ड के लिए एकदम, समझ लो कोई लैक्स रिलैक्सेशन नहीं. बच्चे कहेंगे सर आप तो बहुत ही डरा रहे हो, डरा नहीं रहा बेटा, मैं कह रहा हूँ आपको बस डू द नेसेसरी. यार किलर एटीट्यूड क्यों नहीं होना चाहिए, जब पढ़ रहे हो तो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो, मजे करो, अच्छी तरह से मजे करना. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस. ठीक है, आई टेल यू दैट, मेक अ शेड्यूल. समझ रहे हो, मेक अ शेड्यूल. इसमें मजे के भी टाइम होने चाहिए, आई हाय मजे, है ना, तो उस तरह से मजे. आपको पता है टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स टाइम टेबल कैसे बनाते हैं. बच्चे कहते हैं कि सर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पाता, क्या करूँ. बेटा टॉपर की तरह टाइम टेबल बनाया करो. कैसे सर, क्या करते हैं टॉपर, बताओ. आप बताओ आप क्या करते हो, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट डालते हो, अच्छा बायो मंडे को पढ़ूंगा, केमिस्ट्री ट्यूजडे को पढ़ूंगा, है ना, वेनेसडे को मैथ्स करूंगा, ये करते हो सबसे पहले, हाँ कि ना मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, करते हो. टॉपर क्या करते हैं भाई, ये सबसे पहले डालते हैं अपनी लीजर एक्टिविटी कि भैया 6-7 बजे तक पबजी खेलूंगा. समझ रहे हो, रोज 6-7 पबजी खेलूंगा. 12-1 बजे तक मैं YouTube पे देखूंगा कुछ या फिर खेलने जाऊंगा. समझ रहे हो, रोज का उन्होंने फिक्स कर दिया पहले एक्स्ट्रा करिकुलर, फिर ये स्टडीज का डालते थे. बाकी बच्चा क्या, सुबह 9-12 बजे तक मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, 7-9 बजे तक मैं और कुछ पढ़ लूंगा, 9-10 डिनर का टाइम. तो पहले वो डिनर, एक्स्ट्रा करिकुलर सब भर देते हैं, फिर बची हुई स्पेस पे ये लोग पढ़ाई डालते हैं. हम उल्टा करते हैं, तो जब आप बची हुई स्पेस पे पढ़ाते हो आपको लगता है अच्छा ठीक है यार पढ़ाई तो मैं बीच में कर रहा हूं, तो यू हैव मोर चांस ऑफ फॉलोइंग योर टाइम टेबल. समझे, टॉपर टाइम टेबल रहना है, तो मेक अ शेड्यूल लाइक दिस. बच्चे फिर भी कहेंगे सर मैं बना लेता हूं बट फॉलो नहीं कर पाता, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को होगा. डोंट वरी, बनाओ, बट बनाओ, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा बनाओ, अगर बनाओगे नहीं तो फॉलो कैसे करोगे यार. समझ, फर्स्ट स्टेप इज बनाना और उसको मॉडिफाई करते रहो कुछ दिन. देखो बेटा हर दिन में ना
यू विल हैव सम गुड डेज, यू विल हैव सम बैड डेज. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज लाइक दिस. यू विल हैव सम गुड डेज, यू विल हैव बैड डेज. गुड डेज में यू विल परफॉर्म एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल, वो आपके साथ होता होगा. बैड डेज में यू परफॉर्म ओके ओके. हुआ है कि नहीं आपके साथ? यस. तो यू हैव टू डू दिस. हैव अ गुड डे, यू विल हैव बैड डेज. तो अंडरस्टैंड दिस. एंड किसी दिन आपके 100% फॉलो कर पाओगे, किसी दिन बस 30% फॉलो कर पाओगे. तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. बट उस दिन आपको समझाना है अपने आप को कि हाँ यार, आज मेरा अच्छा दिन नहीं था. समझ रहे हो? तो टाइम टेबल को थोड़ा मॉडिफाई करना सीखो. टाइम टू टाइम, टाइम टेबल नहीं कि बना दिया तो बस फिक्स हो गया. नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा ओवर क्या कहते हैं बर्डन कर लेते हैं अपने टाइम टेबल को. नहीं, उसको थोड़ा कम करो, लाइट करो थोड़ा सा. समझो, थोड़ा चेंज करो. डिपेंडिंग ऑन एग्जाम आ रहा है तो जो एग्जाम आ रहा है जिसमें आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो. समझो, कीप मॉडिफाइंग अ टाइम टेबल, बट हैव अ टाइम टेबल. इट इज लाइक अ GPS. प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं घूम रहे हो बिना GPS के तो घूम हो जाओगे ना. तो टाइम टेबल गिव्स यू अ डायरेक्शन. आपको पता होगा कि हाँ अभी मुझे ये करना है. 12 से तो फिजिक्स का टाइम है, इसमें मैंने नहीं करा तो मेरा नेक्स्ट स्लॉट खराब हो जाएगा. 2 से 4 मैथ्स का वो स्लॉट खराब हो जाएगा. तो आप थोड़ा प्रेशर में रहते हो. यू विल हैव अ प्रोडक्टिव डे. प्लीज अंडरस्टैंड, हैव अ शेड्यूल, हैव अ शेड्यूल. बेटा 90% बच्चे नहीं बनाते शेड्यूल, और मैंने बताया आपको टॉपर्स जरूर बनाते हैं शेड्यूल. फॉलो हो या ना हो वो बात की बात है, बनाना जरूर है. ठीक है, और होगा फॉलो, नहीं होता तो चेंज करते रहा करो. समझ रहे हो? परफेक्ट. मैं क्या करता हूँ बताता हूँ. चलो, मैं कुछ दिन मॉर्निंग का स्लॉट फॉलो करता हूँ, कुछ दिन नाइट का फॉलो करता हूँ. ठीक है, आई कीप चेंजिंग दिस ऑल्सो. समझो, दिस इज अ वे आपका माइंड एक्टिवेटेड रहता है. समझ रहे हो? कुछ नई चीज़ें करते रहनी चाहिए. मैं 6 महीने सुबह पढ़ता हूँ, 6 महीने रात को पढ़ता हूँ. ठीक है, आई कीप डूइंग दिस, बट प्रीडोमिनेटली आई प्रिफर मॉर्निंग्स, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड रियलाइज करा है मॉर्निंग ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यू गेट मोर टाइम. है ना, रात को खाना खाने के बाद व्हाट्सएप वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, सुबह बहुत कम लोग होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं. तो आई वुड सजेस्ट मॉर्निंग, बट यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. परफेक्ट. नेक्स्ट, रट्टा मारने वाले स्टूडेंट उल्टी करते हैं. ठीक है बेटा, यू विल बी टेम्प्टेड टू रट्टा मार. ठीक है, बट ऐसा मत करना. जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं. कैसे होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड. समझ के पढ़ना है, समझ के. वेदांत में तो हम लोगों का ये मेन रहता है कि भैया समझा के पढ़ो, उनको रिलेट कराओ, वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. समझ लो, आपको समझना है चीजों को. यस, परफेक्ट. समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना हमें यहां पर. समझ लो बच्चे, समझना है ना, फोकस ऑन दिस. समझना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन. हम वेदांतु 9th 10th पे वेदांतु प्रो में यही चीज कराते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सो दैट दे आर एबल टू अप्लाई इट इन देयर 11th and 12th ऑल्सो. समझो, मोस्ट ऑफ यू विल बी एस्पिरेंट्स फॉर IIT JEE या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो. मोस्ट ऑफ यू वॉन्ट टू बी डूइंग दैट, है ना. तो वी विल मेक श्योर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, स्पेशली जो प्रो वाले हैं उनका. तो हम यू नो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है हमें प्रो वाले में. होता क्या है, प्रो में वी गेट मोर टाइम विद द स्टूडेंट्स. तो वी डू अ डिटेल स्टडी, तो यू विल हैव अ प्रॉपर फाउंडेशन फॉर IIT एंड नीट. परफेक्ट, ग्रेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है बेटा, पिछले 2 साल से तो हुआ नहीं था, इस साल होगा. उससे पहले वाले साल से आई गेस 2018-2019 का आप देख सकते हो, 2018-2019 का आप पेपर देख सकते हो. स्टार्टिंग में ही देख लो. बच्चे कहेंगे सर स्टार्टिंग में देख के क्या फायदा होगा? बेटा आपको समझ आएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन. कुछ समझ नहीं आएगा तब भी छोड़ो, बस गो थ्रू इट. कुछ समझ नहीं आएगा पेपर में क्या है, ये कुछ नहीं है आपको, इसे फिर करना क्यों है बेटा. इससे क्या होगा, आपको फेमिलैरिटी बढ़ेगी. कुछ समझ नहीं आएगा पेपर उठा के देखोगे 2018 का. आई वुड से इस सेशन के बाद ही ना 2018, 2019, 2017, 2016 इनके पेपर उठा के देख लो. ठीक है, टर्म 1 2021-2022 वाले बच्चों का टर्म 1 का पेपर लेके देख लो, वो तो हो चुका है. देखो कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. समझ नहीं आएगा, बस देखो, फील लो उसकी, क्वेश्चन की ना फील लो. मैं बता रहा हूं बेटा, जो बच्चा फील लेगा ना, आपको लगता होगा यार क्या कह रहे हैं सर. मैं बता रहा हूं ना, देखो अगर मान लो इस वीडियो को 1000 लोग देखते हैं ना, इसमें से मुश्किल से 10 लोग वो चीजें करेंगे जो मैंने पूरे सेशन में बताया. 100% समझ लो. बी दिस 10% बेटा, ट्रस्ट मी, 990 बच्चे नहीं करेंगे ये चीज, बट जो 10 बच्चे करेंगे ना, करके मुझे बताना सर आई डिड इट. जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, आई कैन गारंटी यू बेटा, यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर. मोस्ट ऑफ यू, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई यूज्ड टू थिंक यार सक्सेसफुल, क्या मैं कभी सक्सेसफुल बन पाऊंगा, क्या मेरी कभी नौकरी मिलेगी मुझे.
है ना, क्या मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा पाऊंगा, क्या मैं अपने मम्मी पापा को कभी कोई गिफ्ट दे पाऊंगा, क्या मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। आई हैव बीन देयर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बेटा, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कुछ है ही नहीं, दिस आर नथिंग, बट इफ यू डू दिस नथिंग थिंग, ठीक है, नथिंग चीजें छोटी सी करोगे ना, आई प्रॉमिस यू मेरे बच्चे, 10 साल में आप इतने सक्सेसफुल होगे, आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा। आप कहोगे सर क्या कह रहे हो 10 साल इतना टाइम, बेटा मैं बता रहा हूँ बस छोटी छोटी चीजें समझ लो। द आंसर टू आर बिगेस्ट क्वेश्चन लाइज इन सिंपल थिंग्स। आई प्रॉमिस यू, आई कैन नॉट टेल यू मैं कितना मीन करता हूँ इस चीज को। जस्ट डू द 5-10 थिंग्स विच आई सेट, जस्ट राइट इट डाउन, आई विल स्कोर मोर देन 90%, आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड, है ना। गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जस्ट गो थ्रू इट, कितना टाइम लगेगा, 10-20 मिनट लगेगा पढ़ने को, मैं उससे कुछ आपको करने को बस पढ़ लो, समझ लो टाइम टेबल बना लो बेटा। और आपने इनमें चारों में से क्या क्या चीजें करें मुझे प्लीज बताना, ठीक है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी योर प्रोग्रेस, ठीक है। प्लान बेटा, विदाउट प्लान यू आर नथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या, शेड्यूल होना, सिलेबस को देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, ये प्लान होता है। प्लान मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भैया नवंबर तक मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, फिर मैं रिवाइज करूंगा, समझ रहे हो। अगर आप आईआईटी जेई एस्पिरेंट हो, आईआईटी एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं क्लास 11th और 12th की तैयारी भी हल्की सी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बच्चे कर देते हैं, ठीक है। आप स्टडी का बनाओ 30 मिनट 50 मिनट का स्लॉट बनाओ, 10 मिनट का ब्रेक, पोमोडोरो टेक्निक, क्योंकि कंटिन्यूसली आप फोकस नहीं कर पाते, हमें भी पता है। रिवाइज हर रोज रात को आपको देखना है कि भैया क्या पढ़ा था मैंने आज रात, दिन भर में सबसे बोरिंग काम होता है बट सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, 99% लोग नहीं करते इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी बहुत बोरिंग लगता है, बट आई ट्राई टू डू दिस, आई वुड डू इट, यू ऑल्सो डू इट विद मी, कि क्या करा है आज हमने दिन भर में, क्या प्रोग्रेस हुई हमारी, समझ रहे हो। एंड गाइज चूज फॉर योर सेल्फ, चूज, आप डिसीजन लेते हो, जो आप डिसीजन लोगे ना दैट विल डिफाइन वॉट यू विल बिकम, ठीक है। अब वेदांतु प्रो वाले बच्चों के लिए क्या हो जाता है, वी हैव प्लान्ड इट फॉर यू पीपल, जो वेदांतु प्रो में बच्चे होते हैं ना, वेदांतु प्रो वेदांतु फाउंडेशन बैचेस में जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमने सारा प्लान करा होता है, हमारी पूरी टीम होती है, करिकुलम प्लान करिकुलम टीम होती है, अकेडमिक्स टीम होती है, ऑपरेशन टीम होती है, उन्होंने प्लान कर रखा है, आपको बस आना है बैठना है करना है, समझ लो। वी हैव प्लान एवरीथिंग, इट इज लाइक सिटिंग ऑन अ प्लेन, हम बस आपको उड़ा के ले जाएंगे, आपको बस लेकिन स्टेशन तक तो आना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, प्लेन में बैठना पड़ेगा, समझ लो, और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, समझ लो बेटा, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, हम आपको लेके जाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, बट अगर आप इधर उधर घूमना चाहते हो तो फिर आप गुम हो जाओगे, समझ लो। वी विल बी योर गाइड, वी हैव प्लान एवरीथिंग फॉर यू, जस्ट फॉलो अस ब्लाइंडली बेटा। वी हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स, आप यकीन नहीं मानोगे, आईआईटी जेई नीट क्लास 10th क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स सब में हमारे बच्चों ने इतना फोड़ा है, क्लास 9th के बच्चों, आप में से कितने वी प्रो में और आपने कितना फोड़ा है बताओ मैं कमेंट बॉक्स में। वी हैव प्रोड्यूस रिजल्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेदांतु एंड वेदांतु कोर्सेज, ठीक है। तो यस, तो दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू एनरोल इन टू द वी प्रो बैच, मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरी एक वीडियो है ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एक वीडियो है, ठीक है, ऐसा ही लिंक इस वीडियो के नीचे, जो अभी आप करंटली वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे एक लिंक होगा, कम डाउन, यू विल सी वेदांतु क्लास, सॉरी वेदांतु कोर्स फाइंडर असिस्टेंस, वेदांतु कोर्स फाइंडर असिस्टेंस, फिल इन योर डिटेल्स टू फाइंड द कोर्स दैट फिट्स योर नीड। अब इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चों को क्या कहते हैं फाउंडेशन बैच में जाना, उनको लगता है कि सर मेरे को थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ना है ताकि मैं 11th और 12th का अभी से कर लूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, मुझे बस 10th में मुझे 98% चाहिए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट माई टीम विल कॉल यू, ये फॉर्म आप फिल करोगे, इस पर क्लिक करो तो ये पूरा खुल जाएगा, इसमें अपना नाम नेम फोन नंबर वगैरह करोगे तो माई टीम विल कॉल यू एंड दे विल हेल्प यू टू फाइंड अ परफेक्ट कोर्स फॉर योर सेल्फ and also they will give you the maximum possible discount on this, समझ रहे हो, they will give you additional discount based on this, जो हमारे courses में generally होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को वेदांत में पता है, तो यहाँ पे देखो प्री बुकिंग का लिंक लिखा हुआ है, प्री बुकिंग फॉर क्लास फॉर 2022-2023, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, इस पर क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो क्लास 10 CBSE 2023, इस पर देख रहे हो, इट इज अवेलेबल फॉर
24,000 रुपीज द होल कोर्स, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, असाइनमेंट्स एंड नोट्स हैं, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, दिस विल बी अवेलेबल इन क्लासिक, और पर्सनल मेंटर भी मिल सकता है प्लस में, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल टू यू पीपल. अब बच्चा कहेंगे सर मुझे थोड़ा और, मेरे को तो समझ आ गया, मेरे पेरेंट्स को समझना है. तो एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, फिल इन योर डिटेल्स टू फाइंड द कोर्स दैट फिट्स योर नीड, ठीक है. इसमें यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और आपको काउंसलिंग भी मिल सकती है. आपके पेरेंट्स को बात करना है तो हमको पूरा बताएंगे कि आपको कैसे बुक्स मिलेंगी, कब तक बुक्स मिलेंगी आपको, ठीक है. हाउ विल वी बी एबल टू असिस्ट यू, वॉट यू कैन थिंक अबाउट इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट डिस्काउंट ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन वॉट एवर इज अवेलेबल, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद स्पेशल डिस्काउंट. ये मेरी पर्सनल टीम है, ठीक है, आपसे हम बात करेंगे. कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मेरे को पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, तो यहाँ पे आप फिल करो, वी विल बी एबल टू गाइड यू. बट इफ यू आर लाइक ऑल सेट, आपको पता है सब कुछ, तो दीज आर द लिंक्स, ठीक है. यू कैन प्री बुक फॉर क्लास 10th, क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन एनरोल इन टू दिस. समझो, अगर आप क्लास 10th में हो, आप जे या नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तब भी आप ये वेदांत कोर्स फाइंड असिस्टेंस को फिल कर सकते हो, ठीक है. वी विल गिव यू अ कॉल विद इन 24 hours एंड हेल्प यू फाइंड द बेस्ट कोर्स एंड हेल्प यू फाइंड द, यू नो, आई वुड से हेल्प यू गेट टू योर ड्रीम्स, ठीक है बच्चे. ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड फॉर दिस, समझ रहे हो, परफेक्ट. अब बच्चे कहेंगे सर वेदांत कोर्सेस में ऐसा क्या होता है, लेट मी टेल यू बेटा, वेदांत की लाइव कोर्सेस में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, असाइनमेंट्स, हिंदी या इंग्लिश बैच भी आप चूज कर सकते हो, रिवीजन, पूरा का पूरा सिलेबस, जो मैंने आपको अभी भी पॉइंट बताया, सारे सिलेबस पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी डन है. बच्चे कहते हैं शेड्यूल कैसे, आपकी हर रोज शाम को क्लासें होंगी तो शेड्यूल बन गया, स्कूल के बाद आए, वेदांत की क्लासेस करी, रात को असाइनमेंट करा, संडे को टेस्ट दिया, नोट्स डाउनलोड कर लिए बीच में, समझो. तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड इफ यू आर इन द वेदांत कोर्सेज. अदरवाइज क्या होता है, आपको पूरा प्लानिंग करना होता है, कोर्सेज ढूंढो पहले, टेस्ट ढूंढो, फिर करो, ये सब झंझट नहीं. यू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और सारी चीजें बेस्ट आपको मिल रही है, असाइनमेंट, नोट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, जस्ट आपको आना है, खाना है, और थोड़ी मेहनत करके खाना है, ठीक है, मेहनत लगती है, मतलब आपको, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, स्टडी इट प्रॉपरली, कूल. तो ऑन दिस नोट गाइज, आई विल टेक योर लीव, लेट मी समराइज द सेशन फॉर यू, कि क्या क्या करना चाहिए आपको, समरी बता देता हूँ, जल्दी बताऊँ क्या क्या. सबसे पहले सिलेबस देखना है, नंबर टू किस गाइस, सिलेबस देखना है, टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस पे देखना है, स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेट मत करो एंड तक. स्टडी मटेरियल्स मैंने बताया, वेदांत प्रो वाले बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है, बाकी बच्चे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई भी बुक चूज कर सकते हैं. देन डोंट स्लीप, मेक अ शेड्यूल, शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ने का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का है, ठीक है, और प्लान, स्टडी, ब्रेक, एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, समझ रहे बच्चे. एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन वेदांत कोर्सेज, मैंने आपको एक लिंक में बताया, जहां पे जाके, जैसे कि मेरी वीडियो चल रही है, मेरी वीडियो के नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा, इसमें आप देखोगे बेटा, फाइंड, फिल इन योर डिटेल्स टू फाइंड द कोर्स दैट फिट्स योर नीड, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, है ना, ये देखो वीडियो है, वीडियो के नीचे आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे वेदांत कोर्स फाइंडर असिस्टेंट, इसको फिल करो, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर. आपको जो कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है फ्यूचर में, या फिर आप बस क्लास 10 तक पढ़ना चाहते हो, है ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बेसिस पर आपको एक फॉर्म, आपकी इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, टाइम क्या है, आपको ये हम फॉर्म बता, ये लाइक इफ यू फिल दिस फॉर्म, वी विल गिव यू अ कॉल एंड हेल्प यू फाइंड द कोर्स, कूल. तो ऑन दिस नोट गाइज, लॉट्स ऑफ लव, और जो मैंने चीज़ें बताई है ना, आपने क्या क्या करा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डू लेट मी नो सर, आई प्रॉमिस, है ना. और क्या मैंने बोला था, यस आई विल रियली वर्क हार्ड, है ना, बट आई वॉन्ट, आई विल स्कोर 98% एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ट्रस्ट मी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ओके. तो ऑन दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव, एंड मचाते हैं, धूम मचाएंगे क्लास 10th में, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग आपके साथ हैं, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांत मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा.
वरना आपकी पूरी फीस वापस।